शिरोमणि अकाली दल हरियाणा ने आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के प्रधान गुरशरणजीत सिंह सोथा का मानना है कि हरियाणा में 35 ऐसी विधानसभा हैं जहां पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में अकाली दल के आला नेतृत्व ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में पार्टी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो कुरुक्षेत्र में 22 सितंबर को संभावित उम्मीदवार की स्क्रीनिंग करेगी। सोधा साहब, कल चंडीगढ़ में सुखबीर बादल जी के साथ हरियाणा शिरोमणि अकाली दल की भी मीटिंग हुई जी, तो क्या कुछ चुनाव को लेकर के रणनीति पर विचार हुआ? देखो, जो हमारे शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग कल प्रधान साहब ने ली है, उस कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि हरियाणा इकाई को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। उस इलेक्शन को लेकर उन्होंने 22 तारीख की कुरुक्षेत्र में मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में हमारे जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन मांग ली गई है। वो अपने कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन को लेके हमारी इकाई कमांड जो उसको अपना देखेगी, स्क्रूटी करेगी कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से जीत सकता है। जो कैंडिडेट जीतने वाले होंगे उनको लेके फिर बीजेपी के साथ वो विचार वटांदरा करेंगे, तो जो भी आगे फैसला होगा उस पर कई लगे। कमेटी में कौन कौन हो? हमारे देखो, पहले सबसे पहले तो सरदार बलविंदर सिंह बुंदड़ हैं जो हमारे हरियाणा के इंचार्ज हैं, तो 5 मेंबरी कमेटी के भी वो चेयरमैन बने हुए हैं। तो उनके साथ सरदार प्रेम सिंह चंदू माजरा जी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके साथ सरजीत सिंह जी रखड़ा जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी आ रहे हैं, उनके साथ अपना सिकंदर सिंह जी मलूका जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, और हमारे रनिके हैं जो मंत्री हैं थे वो भी हमारे यहाँ उस कमेटी के साथ वो भी उसमें पहुँच रहे हैं। तो सारी हमारी जो 5 मेंबरी कमेटी है वो 22 तारीख को सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू लेके और अपना आगे की रणनीति जो तैयार करके पहला करें। तो फिलहाल तो अभी बीजेपी के साथ गठबंधन है जी। हाँ देखो, मतलब जे भी पार्टी ने फैसला वहाँ किया है कि हमारा जे गठबंधन करेंगे तो सिर्फ बीजेपी के साथ करेंगे, नहीं तो हम किसी के साथ नहीं करेंगे, अपने तौर पर ही श्रोमणी अकाली दल हरियाणा का ही लड़ेगी। राणा साहब, शिरोमणि अकाली दल की आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति है? रणनीति स्पष्ट है कि श्रोमणी अकाली दल के समर्थन से जो अगली सरकार होगी वो बनेगी, जो वो श्रोमणी अकाली दल के समर्थन से बनेगी, ये रणनीति है हमारी। दूसरा ये है कि क्या चुनाव लड़ने को लेकर के शिरोमणि अकाली दल के भी कई उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आप लोग जो है यहाँ चुनाव पार्टी लड़ सकती है, तो किस तरीके से लड़ना है, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, ये स्पष्ट है कि कल हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग थी सुखबीर सिंह जी बादल साहब से, हमारे प्रधान साहब के साथ, तो उन्होंने की रिस्पांस बहुत बढ़िया रिस्पांस, जो कहते हैं एक प्रधान का जो रिस्पांस होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जाके तैयारी करो, मैं हर हाल में आपको इलेक्शन लड़वाऊंगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रधान साहब का कि उन्होंने हमारी पीठ पर थपथपाई हमारे काम को देखकर, क्योंकि हम हरियाणा के अंदर श्रोमणी अकाली दल को लोग पसंद करते हैं, ये किसान की मजदूर की पार्टी है और के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है हरियाणा के अंदर। मैं समझता हूँ कि इससे पहले जैसे इंडियन नेशनल लोकदल से हमारा समझौता था और अब हमारा समझौता बीजेपी के साथ चल रहा है, तो संभावना है कि अगली जो सरकार होगी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार होगी। तो क्या कुछ उसकी तैयारियों के लिए कोई मीटिंग, स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्याशी? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनिंग कमेटी हमारी बना दी गई है, 5 मेंबरी हमारी जो हमारी हाईकमान ने सरदार बलविंदर सिंह जी बूंदर के नेतृत्व में बनाई है, जिसमें चंदू माजरा साहब हैं, जिसमें रणिके साहब हैं, जिसमें अपना दो और हमारे जो मलूका जी हैं, अपना इनके शर्मा जी हैं, तो उनके नेतृत्व में बलिंदर सिंह जी बूंदर जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, उनके नेतृत्व में हमारी जो 5 मेंबरी जो कमेटी है वो बना दी गई है,
और हमें 22 तारीख को हमारी उन्होंने एक जो उम्मीदवार है जो अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं जो उनकी एक मीटिंग बुला ली है कुरुक्षेत्र के अंदर ही, तो उसमें उनके टेस्ट होगा, उनके सारे रिकॉर्ड देखे जाएंगे, उसके बाद फैसला करेगा हाईकमान की कौन किस क्यों है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर चार चार पाँच पाँच उम्मीदवार हैं। हमें बहुत खुशी है कि श्रोमणी अकाली दल के अंदर भी इतना इलेक्शन को लेकर एक रुझान बढ़ा है लोगों में, एक एक सीट के ऊपर पाँच पाँच हमारे कैंडिडेट भी हैं, तो उसके बाद फैसला हाईकमान को करना है कि कौन कैंडिडेट किस सीट पर उचित रहेगा जो जो सीट निकाल कर श्रोमणी अकाली दल की झोली में डालेगा। बीजेपी से भी गठबंधन की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी से भी गठबंधन हो सकता है, उस पर किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या रुख है? देखिए श्रोमणी अकाली दल का विधान लोकसभा के अंदर गठबंधन था बीजेपी के साथ, हमने समझौता किया था, इस शर्त पर समझौता हुआ कि विधानसभा के चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे, और हमने बिना शर्त के उनका साथ दिया था, और परिणाम ये निकला था कि 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर बीजेपी जीती थी, जिसमें अपना समर्थन था श्रोमणी अकाली दल का, और हम अपने आज भी हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं, और अब बीजेपी ने को भी निभाना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि बीजेपी हाईकमान और श्रोमणी अकाली दल हमारी हाईकमान बैठकर सीटों का बंटवारा कर लेगी और अगला चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। अगर गठबंधन नहीं होता तो क्या है? देखिए नहीं होता की स्थिति में तो अलग बात है, लेकिन हमारे प्रधान जी का हमें आज उम्मीद है जो 100% के समझौता होगा, और हमारी कल जो मीटिंग हुई थी तो हमारे प्रधान जी ने बोला है सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने कि आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।